हमारे शरारती बच्चों के काम देखें, एक ये ऊपर बांदर की तरह लटका हुआ चढ़ा हुआ, क्या लेने आए हो बॉल, और एक ये नीचे और एक इधर से नमूदार हो रहे हैं। माशाल्लाह, ये हैं हमारे बच्चे जो कभी भी किसी भी टाइम कहाँ से भी नमूदार हो सकते हैं। ये देख, ये देखिए, अगर आप लोगों के ऐसे बच्चे हैं तो हमें भी दिखाएं। बादल भी गरज रहे हैं अगर आपको आवाज़ आ रही होगी, और एक उस चुड़ैल के काम देखें। ये देखें, ये देखें, देखें देखें आप लोग, आंधी भी आ रही है। सुबह मैंने सफाई की थी। अरे सब सीढ़ी के जरिए उतरा ना, ख्याल से ख्याल से। तुम्हें और कोई काम नहीं, एक तो तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, किस तरह के पंगे ले रही हो। और मेरा पैप ना गिराई, मैंने अच्छी तरह संभाल के रखा। ये तुम लोगों ने दस्ताने क्यों पहने? अच्छा, क्रिकेट खेल रहे। और ये देखें मौसम, देखें कितना प्यारा बना हुआ है। तुम चलो, मैं आके दिखाती हूँ। ये मेरी शहजादी और अब्बू गए हुए हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। ये देखें, ये मैंने ना हवा के लिए लगाया था, हवा ने इसकी क्या सत्यानाशी फेरी है मुझे समझ नहीं आ रही। किचन शिचन तो सारा साफ है, दोपहर में पानी शानी गिरता रहा। तो अंदर कमरे की मैं हालत दिखाऊं, मुझे ना थोड़ी देर में सर्दी लगना शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में गर्मी। अभी मैंने पंखा ऑन किया था, जो मैंने बंद कर दिया। चलो मायदा, इसका दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो रूम का। ये देखिए, मुझे इस बात का होता है कि मैंने इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद इतनी मुश्किल से सफाई की। और ये देखिए, कबूतर भी उड़ रहे हैं, और बाद में जी आंधी आती है और सारी चीज़ों का मलबा करके ये जा वो जा। देखें जी, और इधर देखें, कौन सी रूह घुसी हुई है तुम्हें? कोई भी नहीं। ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। ये देखिए जी, मैंने सोचा मैं खुद भी बीच में आ जाऊं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि व्लॉग कोई और है। तो ये हमारा मीठा और ये मैं, एक ही पोज में आते हैं, मीठा हम दोनों एक ही में। ये देखें जी, और आपको मौसम चेक कराती हूँ। ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखिए ऊपर जा रही है अब। आज व्लॉग देर से शूट किया, बल्कि स्टार्ट किया, तो होप करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सलाम तो मैंने आज की नहीं, बस ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो चलिए, कुछ नहीं होता, व्लॉग में तो आ गया ना, इतना ही बहुत। ये देखिए अजूबों के कारनामे, कहाँ चढ़ के खड़े हुए। अब गिरोगी ना पता लगेगा। ये देखें जी, मैंने ना पाइप लगा दिया पानी वाला, कितना कि टैंकी फुल हो जाए। हमारे गांव में थोड़ी सी आंधी या बारिश आए ना तो वो हो जाता है, ये सारा कचरा कचरा हो गया खुरे में भी। और देखें पोचा वगैरह भी लगाया हुआ था, क्या हालत होगी। इधर चल के देखते हैं, मायदा के घर में चल के देखते हैं। चलो मायदा, अपना दरवाज़ा खोलो। ये देखें जी, यहाँ पर क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है। उस्मान साहब की बॉलिंग नहीं, बल्कि उस्मान साहब की बैटिंग। ये देखें, ये हारिस साहब बॉलिंग करवाते हुए उस्मान साहब खेलते। अमजद को भी बुला लो। यहाँ पे जी हमारे जानवर भी सारे वो हो गए हैं, बांधे हुए, अभी चारा नहीं डाला इनको। देखे कैसे मट्टी उड़ी मेरी आंखों में भी जा रही। ये वाले भी इधर खड़े हुए हैं। यह है जी हमारा प्यारा सा गांव। कहाँ गई बॉल? इसने शॉट लगाई है, अब तुम जाओगे लेने। और ये एक और अजूबा देखें, ये देखें, ये एक नया अजूबा। और मैं आपको मट्टी उड़ती दिखाती हूँ। ये देखें कितनी जोर की मट्टी उड़ी, और कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखें, ये हमारी शहजादी है, शहजादी। देख हारिस, पहले तबीयत खराब है और वो हो जाएगी, मट्टी में खेल रहे हो। ये हमारी नीम, इतनी पुरानी सी बेचारी खुश्क हो गई है।
ये हमारे हारिस भाई का नाम लिखा है, इससे छोटे शहजाद भैया का नाम। हमारी मस्जिद का मीनार भी बन रहा है। इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना, मजा ही आ गया। क्यों हारिस उधर देखें, हमारे शैतानों के टोले के काम। कोई काम छोड़ना नहीं है बेटा, जानी खड़ा खेलो। ते पहले कितना की थे? ये देखें, ये हमारे शहजादे, ये देखें जी हमारी शहजादी मीठा। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सारे एनिमल एक ही घर में इकट्ठे किए हैं। एक ये वाला भी इधर देखो, एक ये वाला एनिमल, एक ये और बाकी सारे ये, बाकी सारे ये। ये देखें ये कहाँ से आता हुआ शहजादा। आओ जी आओ, आगे आओ। ये आ गई जी बॉल। और ये देखें, ये है जी शॉर्टकट। ये आ गए जी शॉर्टकट के शहजादे। ये देखें ना, तुम्हें घर का रास्ता नजर नहीं आता था। मुझे लगता आज का सारा व्लॉग बच्चों पे ही बन जाएगा। मीठे क्या कर रहे हो, क्यों सर खुजा रहे हो? मीठे की हमारे की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इतनी शरारतें हैं मीठे की। इधर दिखाना अपनी बूथी, दिखाना ये हमारे मीठे की बूथी। और मौसम चेक करें जरा, इतना प्यारा मौसम, ऑसम वाला मौसम। आह क्या व्यू आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा मौसम। मुझे लगता है टैंकी भी भरी जा चुकी है, आला। और ये हमारी शहजादी, ये पहले इतनी तबीयत खराब हो और ज्यादा हो जाएगी टप टप करते हुए। ये देखें जी, मैं अपने कमरे में बैठी थी, व्लॉग एडिट कर रही थी, तो अचानक मैंने देखा कि बारिश होना स्टार्ट हो गई। वो भी इतनी मोटी मोटी, वजह से कहते हैं ना, आना शुरू हो गया मोटी मोटी। ये जब ज़्यादा हो जाती तो बुलबुलों वाली भी बन जाती है। ये देखें और मौसम देखें, हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। और ये देखें, अगर आपको बारिश नज़र आ रही होगी तो मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें ऑसम कमाल। अक्सर जगह पे कहते हैं कि, या जैसे लाहौर में मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आया था तो वो कह रही थी कि ओले पड़े, और जो उन्होंने मुझे ओलों की तस्वीर भेजी थी ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस कदर ज़्यादा ओले पड़े हैं, कि उन्होंने एक ही प्रात में इकट्ठे कर लिए, वो भी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। और देखें हमारा मौसम, अराउंडिंग सराउंडिंग में आवाज़ें भी आ रही हैं, लोग अपनी लकड़ियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें उठा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको बारिश का व्यू चेक करा दिया। अच्छा ये इसके ना शोर ऐसे आ रहा है बारिश का, जैसे ओले गिर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बारिश ही आ रही है। ये देखें जी, लाहौर में इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं कि उन्होंने परात भर ली है, यानी कि प्लेट की मदद से। मंडी बहाउद्दीन में भी दो दो फुट ओले पड़े हैं, बस मालिक अपनी रहमत फरमाए। देखें भाई जी को मैंने कोई सामान लेने भेजा था, वो भी आ गए हैं बारिश में भीग भगा के। तो एक दिल मेरा कर रहा है कि बारिश जैसे आ रही है पकौड़े बनाऊं, और एक दिल कर रहा है कि मीठा बनाया जाए, कुछ भी मीठा। यहाँ पे जी बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बुलबुलों वाली बारिश हो चुकी है, तो लाइट भी जा चुकी है, इसीलिए कुछ भी इस तरह का, यानी कि पकाना वगैरह मुमकिन नहीं है, क्योंकि किचन में अंधेरा है और बारिश इतनी तेज़ है बहुत ही ज़्यादा। और कुछ बना भी इसलिए नहीं सकते क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में ना कज़न को चोट लगी थी, उसके स्टिचेस लगे हैं घुटने के ऊपर तकरीबन 12 से 14, इस वजह से बस जो वीडियो बनी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इतना हो सकता है मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अब्बू की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आपके साथ मौसम की, जिस तरह बच्चे खेल रहे थे, सारी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की। तो एंजॉय करें हमारे मुल्तान का मौसम, तो बहुत ही मौसम प्यारा हो गया था, और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई थी। हवाएं देखें इतनी तेज़ चल रही हैं, और यह पख्ता हवाएं हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन यह है कि इस मौसम में ना मच्छर बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं।
यहाँ पे जी तेज़ बारिश में थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, मैंने सोचा कूलर में पानी भर लिया जाए। जैसे मैं पानी भर के फारे हुई तो ओले आना स्टार्ट हो गए। ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ, फर्श पे अच्छे खासे ओले आ रहे हैं। ये देखें हाथ में भी उठा कर दिखाया है। तो जैसे मैं लाहौर की बात कर रही थी कि वहाँ पे ओले हैं, अचानक मुल्तान में भी इतनी शिद्दत से ओले बरसना शुरू हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। और इनका शोर, मैं अंदर खड़ी थी पानी भरने के बाद, मंदिर चली गई थी तो बाहर भाई खड़े थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि बाहर ओले देखें किस रफ्तार से आ रहे हैं। बस अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकती हैं, या अल्लाह पाक की रहमत, बस क्या कहें, मैं इसे कुछ नहीं कह सकती। बस जो भी है अल्लाह पाक की करम नवाजी, अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए सब पर। तो ये बहुत ही बड़ी, बड़े बड़े भी थे, छोटे भी थे, बहुत ज़्यादा तादाद में। हमारे मुल्तान में ना पहले कभी भी इतने ज़्यादा ओले नहीं आए जितने आज यानी कि ये हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा थे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं फर्श पे, साथ में बारिश भी है, हवा भी है और ओले भी हैं। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी साथ ही में, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लें। जितनी लेंथ ये वीडियो है उतनी ही देर तक ये ओइले बरसते रह गए, और भाई को और कज़न वगैरह के हाथ में था मोबाइल, वो बनाते रह गए। ये देखें जैसे बारिश हो रही है ना, कुछ पिघल भी रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे अच्छे खासे यानी कि सफ़ेद चादर की तरह लग रहे हैं। तो मालिक बस अपनी करम नवाजी फरमाए। यहाँ पे काफ़ी देर देखने के बाद भाई ने कहा मैं चुन के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह के हैं, तो वो चुनने बैठ गया। मैंने बड़ा मना किया, तो ये देखें उसके हाथ में अभी भी काफ़ी देर हो गई, अभी भी बरस रहे हैं। ये देखें ये एक की शेप बिल्कुल दांत की तरह थी, जैसे दांत होते हैं ना, तो वैसी उसकी शेप थी। ये देखें भाई दिखा भी रहे थे, बिल्कुल दांत की शेप के थे कुछ, तो बीच में कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी थे, जैसे हम गर्मियों में ना गिलास में क्यूब्स डालते हैं ना, कुछ इस तरह के भी थे। तो बस ये मालिक अपना करम फरमाए, अपनी रहमत रखें। तेज़ बारिश थी और इतने ही ज़्यादा तेज़ हो रहे थे, पूरे मुल्तान भर में ऐसे ही था। ये देखिए अभी तक बरस रहे हैं। यहाँ पे भाई को टिका नहीं है, उन्होंने कहा कि जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं वहाँ से उठा के लाता हूँ, लेकिन बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और आंधी भी इतनी थी, और साथ में ओले भी ऐसे बरस रहे थे, और इतना ठंडा था ना कि भाई को समझ में, मना भी कर रही थी कि ना उठा के लाओ ना उठा के लाओ, लेकिन फिर भी भाई को था कि नहीं मैंने उठा के लाने, मैंने दिखाने। भाई भी खुद भी सारा भीग गया। ये देखिए इतने सारे उठा के लाए, मैंने भी कोशिश की अपने हाथ में लेने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडे थे, मैंने तो फ़ौरन उसी के हाथ में पकड़ा दिए, मैंने कहा पकड़ो भी अपने। और रात के टाइम मुल्तान में जलजिला भी आया था, ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि कुछ सेकंड का था, कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और खाने पीने का मैंने ओले भी हैं, और देखें पानी कैसे बह बह के जा रहा है, वो वाला पौधा बिल्कुल फुल हो चुका है। और ये देखिए ये परनाले का पानी भी आना स्टार्ट हो गया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ओले आ गए थे मुल्तान में, वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। बस जी आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। खाने शाने में बस रोटी बनाई थी, जो सालन पड़ा था उसी के साथ खाना खा लिया था, क्योंकि कज़न को इतनी ज़्यादा चोट आई थी, उसके 12 स्टिचेस लगे थे, इस वजह से सारे परेशानी में थे, तो कुछ इतना ख़ास बनाया नहीं है। तो होप करते हैं बस आज का ये व्लॉग आपको जितना भी बनाया पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, तो कमेंट भी साथ साथ लाजमी किया करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।